नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड और मैं हूँ आपका होस्ट अमरप्रीत। अब मुझे ऐसे बैठे हुए देखे और एकदम ड्रेंच्ड आउट देख के मत सोचिए कैसे ऐसे बैठा हुआ है। एक्चुअली चक्कर ये है, इस हफ्ते चार चार फिल्में रिलीज़ हो रही हैं और यू नो बहुत सारी फिल्में हैं इस बार और सब फिल्मों को देखना पड़ता है, आपके लिए रिव्यू लाना पड़ता है। सो प्रेस स्क्रीनिंग में जो फिल्म है फ्राइडे, जो फ्राइडे को रिलीज़ होने वाली है, वो देख के आया मैं। इस फिल्म में गोविंदा सर है, वरुण है और क्या उसे कहते हैं, मतलब कहना पड़ेगा कि बहुत टाइम के बाद एक माइंडलेस कॉमेडी फिल्म जो होती है, गोविंदा सर की जो कॉमेडी फिल्में होती है, बहुत टाइम से गोविंदा सर ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे, कोई एक परफेक्ट कमबैक नहीं मिल पा रहा था जो उनके टाइप की कॉमेडी होती है। स्पेशली यू नो जब दिमाग घर पे रख के जाओ यार गोविंदा सर की फिल्म देखने जाते हो तो वैसा वाला। सो उस हिसाब से जो ये फिल्म है, बड़ा ही मज़ा आया। बहुत टाइम के बाद कुछ ऐसी फिल्में हुई, कोशिश हुई थी, उतना बढ़िया नहीं कर पाए थे, लेकिन इस फिल्म में गोविंदा सर ने एक कमबैक किया है। बहुत मज़ा आता है उनके पंचेस पे और बहुत सारी चीज़ें हैं, यू नो बीच में मिमिक्री कर देना, बीच में ही डांस करने लग जाना, ठीक है, बीच में एक अपने अंदाज में बोलना, वो सारी चीज़ें यू नो गोविंदा सर से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो गोविंदा सर के साथ हमेशा रहेगी। उन चीज़ों के लिए गोविंदा सर को कोई कमबैक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं बात करूँ वरुण के साथ केमिस्ट्री गोविंदा सर की, दोनों हालांकि अगर आप देखेंगे ध्यान से तो काफ़ी यू नो सिमिलैरिटी है दोनों के फेसेस में। सो बड़े बड़े मज़ेदार यू नो केमिस्ट्री लगी है दोनों की, बढ़िया काम किया है। वरुण हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, गोविंदा सर तो चलो एवरग्रीन है ही है। सो यू नो काफ़ी टाइम से ऐसे कॉमेडी एक्सपेक्टेड थी क्या उसे कहते हैं गोविंदा सर से, और ये फिल्म जो स्पेशली जो उनकी ऑडियंस है, गोविंदा सर की जो ऑडियंस है, बहुत यू नो पसंद करेंगे इस फिल्म को। मल्टीप्लेक्स ऑडियंसेस ज़्यादा शायद यू नो इसको एंजॉय ना कर पाएँ, लेकिन जो गोविंदा सर की ऑडियंस रहेगी और जो वाइड स्प्रेड ऑडियंस है उनकी, वो फिल्म को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। बहुत सारे पंचेस हैं, पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं इस फिल्म को, फैमिली के साथ जाइए फिल्म देखिए। स्टोरी क्या है वो मैं बताऊंगा नहीं आपको, जाइए जितना ट्रेलर में समझ में आता है उतना समझिए, जाइए फिल्म को दिमाग घर पे रख के जाइए और फिल्म को जाके एंजॉय करिए। सो इस फिल्म को अगर मैं ओवरऑल रेट करूँ तो इस फिल्म को मैं 3 stars out of 5 दूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ गोविंदा सर एंड इज अमेजिंग टाइमिंग जो कि एवरग्रीन है। मतलब गोविंदा सर आपके जैसा कोई नहीं है, सच में मज़ा आता है सर आपको देख के। सो ये था मेरे फिल्म का रिव्यू। अब मैं फिर हाजिर होता हूँ अगले फ्राइडे और मूवी रिव्यूज़ लेके। तब तक वायरल बॉलीवुड को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें, शेयर करें। आई विल सी यू अगेन, गुड नाइट।